अपर साइड दिया जाता है, अपवर्ड्स दिया जाता है, या डाउनवर्ड्स दिया जाता है, या लैटरल साइड दिया जाता है, या मीडियल साइड दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे एलिप्टिकल इंसिजन दिया जाता है। तो एलिप्टिकल इंसिजन के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले कट होता है इंसिजन में स्किन, उसके बाद सबक्यूटेनियस कट होता है, अल्टीमेटली वी एक्सपोज द मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन इज इंसाइज्ड, देन सबक्यूटेनियस, अल्टीमेटली मसल्स आर टू बी एक्सपोज, द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट आर टू बी एक्सपोज। तो जब हमने ब्रेस्ट को एक्सपोज किया, ब्रेस्ट की मसल्स को एक्सपोज किया, तो उनको डिवाइड किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है टू एक्सपोज द वोंड, टू एक्सपोज द वोंड। ऑल द मसल्स आर टू बी डिवाइडेड एंड द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट आर डाइसेक्टेड फ्रॉम द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद जब मसल्स को डाइसेक्ट किया जाता है, फिर जो भी सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट में, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, पहले डाइसेक्ट करते हैं एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स से, और उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता जितने भी टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है ब्रेस्ट के, उनको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ब्रेस्ट। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्फेलिक वेन है या एक्सिलरी वेन है, थोरेसिक वेन है, सॉरी थोरेसिक नर्व है, इन तीन चीज़ों को हमें बिल्कुल सिक्योर करना पड़ता है, बिल्कुल प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ताकि इनको इंजुरी ना हो, ताकि किसी किस्म की इंजुरी ना हो, या कोई पंक्चर तो ना हो। तो इन तीन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, इन तीन चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना पड़ता है, दैट इज सेफेलिक वेन, एक्सिलरी वेन एंड द थोरेक्स नर्व। दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर टू बी प्रोटेक्टेड, आर टू बी एक्सपोज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। आफ्टर द रिमूवल ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ फ्राम द ब्रेस्ट, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज़, ब्रीच इज़ टू बी क्लोज्ड। अब जो ब्रीच बचा, ब्रीच मीन्स अब जो वहाँ पे ये वूंड रह गया है, हमने सारा टिश्यू जो है ब्रेस्ट में जितना भी टिश्यू था उसको रिमूव करना है। जब रिमूव हमने किया ब्रेस्ट टिश्यू, अब जो ब्रीच रहता है वो ज़ख्म जैसा रहता है, उस ज़ख्म का क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर ये छोटा है तो इन दो जो ये फ्लैप्स है, स्किन फ्लैप्स है, इनको मोबिलाइजेशन करेंगे। मोबिलाइजेशन मींस इनको करेक्ट करेंगे, इनको रिपेयर करेंगे। जो ये दो स्किन फ्लैप्स हैं, इनको वापस क्लोज करेंगे, इनको वापस क्लोज करेंगे। अब अगर ब्रीच लार्ज है, अगर ये स्मॉल नहीं है, अगर बड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या स्टूडेंट